Hey you guys, so welcome or welcome back to my channel. आज से मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है रोज व्लॉगिंग का और मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी, पर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अभी यहाँ बज रहे हैं 10, 10 बजे नहीं उठे हैं हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं. बस अब ब्रेकफास्ट खाएंगे और मैंने अभी सुबह सुबह अपनी एक ऑफिस की कॉल भी ले ली है तो काफ़ी सही हो गया. भाई यहाँ का मौसम इतना अनप्रडिक्टेबल है ना, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप आ जाती है. आज तो फॉर्चुनेटली धूप आई हुई है तो धूप से तो काफ़ी सही लग रहा है. ये हमारे सामने यहाँ पे ये एक स्कूल है, ये भी देख लो, न्यू एडिशंस टू माय फैमिली, मेरे प्लांट्स. नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं. वो इंसान जो कभी वीडियो में आना नहीं चाहता, ये बस मैं इसको जबरदस्ती डालती रहती हूँ, कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता. तो यहाँ हमारा चल रहा है अभी ब्रेकफास्ट, हमने बनाए आपे और साथ में सफाई वफाइयाँ करिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया जैसे मेड्स नहीं आती हैं. हमने सारी सफाइयाँ खुद करी, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए डिश वॉशर है तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट है. बट हाँ, ये सब होने के बाद अभी मैंने अपनी एक कॉल ली है, कॉल के बाद मैंने खाने की प्रिपरेशन की है जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया, और अब हम लोग बस खाने का वेट कर रहे हैं और खाना खाएंगे. बहुत भूख लग रही है, भूख भूख भूख. बिना खाना खाए ना काम होता नहीं अच्छे से, तो जब तक कुछ अच्छे से खा पी ना लो ना, वो एनर्जी नहीं आती है. तो बस अब खाने की तैयारी चल रही है और मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ. बेसिकली मैं अपना ऑफिस का काम यहाँ करती हूँ. चेयर है, ये डेस्क है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, ये ऊपर नीचे हो जाता है मोस्टली खड़े होकर ट्राई. मुझे रिसेंटली क्रेज़ हुआ है, मैं ना खड़े होके काम करना स्टार्ट किया है तो बस लगता है खड़े होके काम करना, क्योंकि पूरा दिन बैठे रहते हैं यार. वर्क फ्रॉम होम में ना एक ये डिसएडवांटेज है कि पूरा दिन तुम घर में ही इधर से उधर, उधर से इधर, थोड़ा बहुत काम कर लो, थोड़ा बहुत ये कर लो. अभी हमने सब काम करके, कपड़े वपड़े धो के, पूरा सब सेट करके अब हम फ्री हुए हैं. एंड उसके बाद खाना वाना अब खाएंगे बस रेडी होके. फिर मेरी शाम में लैंग्वेज क्लास है, मैं उसके लिए जाऊंगी और मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज का भी देखना है कि मुझे आज कुछ होमवर्क मिला हुआ है. एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ना जो पढ़ाई है, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है. तो मतलब चाहे आप 18 साल के हो, चाहे आप 10 साल के हो, चाहे आप 18 साल के हो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 30, 40, 50, पढ़ाई इज़ नेवर एंडिंग, जो कि कभी ख़त्म होती नहीं है. तो ये जो मिथ है ना, जो लोग बोलते हैं कि भाई पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, कभी नहीं होता. अभी इतने टाइम के बाद भी मैं पढ़ ही रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरी डे मैं पढ़ने ही जा रही हूँ, स्कूल में लैंग्वेज लर्न कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ. तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है कि पढ़ाई ख़त्म हो जाती है. पहली चीज़ तो ये है, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है. तो जो लोग भी ये देख रहे हैं, ये लिख लो कि पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है. कड़ी का अपडेट लेने आई थी, कड़ी बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, बस खाना खाना है, भूख लग रही है. हम लोग हमेशा मोस्टली खाने के बारे में ही बात कर रहे होते, तो अभी हमने ये सोचा है कि अभी हमने कड़ी बनाई है. हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें रात में क्या खाना है, क्योंकि खाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, मतलब हम लोग खाने के लिए जीते हैं. तो मैं बोल रही थी, ये है सौरभ. सौरभ कह रहा है क्या, तू क्या बोल रहा है, क्या कर रही है? सौरभ बोल रहा है कि मैंने इसको बोला कि मैं इसको बहुत दिन से बोल रही हूँ, मुझे ना वो खाने का मन है, पाव भाजी. तो पाव भाजी के लिए हमें यहाँ पाव नहीं मिल रहे हैं, तो हमने कहा भाई पाव नहीं मिल रहे हैं, जर्मनी में पाव वैसे ये लोग इतनी ठूस ठूस के ब्रेड खाते हैं, पर पाव नहीं मिल रहे हैं, सोचो. तो हमने सोचा कुछ क्या करा जाए, ब्रेड से ही बना लेंगे ना, तो पाव भाजी हम ब्रेड से बना लेंगे, कल परसों में पाव भाजी खा लेंगे. मैं सौरभ से भी बात कर रही हूँ, सौरभ बैठा हुआ है, परसों खाएंगे पाव भाजी, परसों खाएंगे. और आज मतलब ऐसे होते ना साइन, आज मैंने घर पे बात करी तो मम्मी ने भी पाव भाजी बनाई हुई थी. तो सोचो मतलब ये साइंस मिल रहे हैं मुझे कि पाव भाजी हमें जल्दी खा लेनी चाहिए. ये भी भुक्कड़ बन चुका है मेरे साथ. आई एम अ बिग टाइम फूडी, पर मुझे अपना देसी खाना ही पसंद है. मतलब मुझे ना ऐसे यहाँ का भी खाना बहुत टेस्टी होता है. ओके, क्या दिखा दिया, चाइनीज? ओ भाई,
योर फूड लैब्स का तो बहुत सही खाना बनता है और उसका चाइनीज दिखा रहे, तो हम लोग, खैर आज तो हमारा पाव भाजी का प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ओ बाहर बारिश हो रही है सौरभ। अच्छा ओके, आज तो नहीं हो पाएगा एग्जीक्यूट, तो देखते हैं कब होगा। बाकी मैं आप लोगों को बाहर मौसम भी दिखाती हूँ कैसा हो गया सुबह का, इसका कितना चेंज है। बट वैसे डेली व्लॉगिंग, आज मेरा फर्स्ट डे है डेली व्लॉगिंग में, पूरा टाइम मुझे सेल्फी स्टिक पकड़ के ही रखनी पड़ेगी कि क्या बनाऊंगी मैं रोज रोज। रोज का रूटीन तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ भी ऐसे क्रिएटिव या नया तो होता नहीं है, बट हाँ मैं कैमरे के सामने आके बस बोलती रहती हूँ जो मुझे पसंद है। ये देख लो बाहर बारिश हो रही है, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म का भी वेदर, थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग थी कल, तो आज तो नहीं है बट हाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही है। बालकनी में भी पानी आ चुका। अब मैं जा रही हूँ लैंग्वेज क्लास। चलो चलो लेट्स गो। साथ में ले लिया अपना अम्ब्रेला, कभी भी बारिश हो सकती है तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए यहाँ पे। और बस निकल रहे हैं, लाइट्स पता नहीं क्यों ऑन हुई हैं, और बस अब निकल रहे हैं हम लोग। सौरभ आज मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने चल रहा है साथ में। ये ना सौरभ चाबी क्यों, अच्छा ओके चाबी भूल जाते हैं यहाँ पे, चाबी का बड़ा पंगा है ना। चलो लेट्स गो। लैंग्वेज क्लास रोज आपको यही रास्ता मिलेगा क्योंकि मैं रोज इसी रास्ते से जाती हूँ। सेट This person also dropping me. Going to the class right now. कुछ extra comments बोल रहा है, बोल क्या बोल रहा है? Class जाके पढ़ भी लेना। वही करती हूँ मैं। थोड़ी मस्ती भी होती है but still. पहुँच चुकी हूँ बस अपने language class में। बहुत late हो गई हूँ, बहुत late मतलब 5 मिनट late हूँ मैं। यहाँ पर mostly सब लोग time पर आ जाते हैं, बस मैं rush कर रही हूँ, फटाफट से भाग रही हूँ कि time से पहुँच जाऊँ। बारिश तो हो ही रही है। इस स्कूल में आती हूँ मैं, क्लास से भीगती हुई थोड़ी सी, बस अब जाके भूख लग रही है, बड़ी तेज भूख लग रही है। बस आ गया गया तड़का। हमने बनाए हैं आज नूडल्स और साथ में बन रहे हैं चिली पोटैटो। हम आपको क्लोज लुक दिखाते हैं इसकी, मेड बाय मिस्टर सौरभ। ओहो हो ये भी मस्त बने, मस्त बस अब खाएंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।